अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये समनवाज आपका, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ये घटना 29 अगस्त के आसपास की है, जिस समय वायरल वीडियो के माध्यम से एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एक बीमार तेंदुआ था जिसको ग्रामवासी चारों तरफ से घेरे हुए थे और उसके उपचार के संबंध में हम संपर्क कर रहे थे, जिसमें से कुछ लोग जिन्होंने उस तेंदुए के ऊपर सवारी करने की कोशिश की, उसे छेड़छाड़ करना का प्रयास किया। चूँकि तेंदुआ शेड्यूल 1 का प्राणी है, उसके साथ ऐसा करना नियम विरुद्ध है और वो सजा का प्रावधान उसमें होता है। तो वो घटना प्रकाश में आई तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई तत्काल समय में। उसके बाद जो बीमार तेंदुआ था उसका इंदौर जू भेज के इलाज करने का प्रयास किया गया, उसको जबलपुर की टीम से उसकी ब्लड सैंपल्स लिए गए और बाद में ये पता चला कि उसे CVD रोग है जो बहुत बुरी तरह से उसे ग्रस्त था। उसको ला के यहाँ पर दौलतपुर रेस्ट हाउस में रखा गया और इंदौर जू के डॉक्टर यादव साहब हैं उनके मार्गदर्शन में उसका इलाज किया गया। मुख्यालय स्तर से भी इस संबंध में बताया गया और ये इलाज लगभग 2-3 महीना चलता रहा। इलाज के बाद हमें सफलता मिली, वो तेंदुआ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, वो अपने पुराने बिहेवियर में वापस आ गया। लेकिन उसके बाद एक समस्या ये थी कि इसको अगर हम तेंदुए को छोड़ते हैं जंगल में तो क्या ये फिर से इसके अंदर जो वाइल्डनेस इंस्टिंक्ट है वो पूरी तरह से आ जाएगी, क्या वो शिकार करने योग्य हो जाएगा, क्योंकि उसके जो बेसिक वाइटल्स हैं, फिजियोलॉजी है, वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छा दिख रहा था। तो हम लोगों ने उसको रिलीज़ करने का प्रयास किया खिवनी सेंचुरी में और प्रयास सफल रहा और उसको रिलीज़ किया गया। लेकिन कुछ 2 दिनों तक मॉनिटरिंग करने के बाद ये प्रयास आया कि वो वैसे तो स्वस्थ है लेकिन जब जंगल में छोड़ते हैं तो अभी भी साइकोलॉजिकल तरीके से अभी भी पूर्णतः वो स्वस्थ नहीं हुआ है। तो इस संबंध में मुख्यालय में चर्चा की गई और मार्गदर्शन यही प्राप्त हुआ गया कि उसको अभी कुछ समय के लिए फिर से कैप्टिविटी में रखा जाए जंगल के अंदर और उसे फैमिलराइज करने दिया जाए अपने जो आसपास के सराउंडिंग से, उसके बाद पुनः एक बार उसको रिलीज करने का प्रयास किया जाएगा। अभी वर्तमान स्थिति में तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ है। अब जो पुरानी वैधानिक कार्रवाई स्टार्ट की गई थी, जो 2-3-4 आरोपी लोग थे, इसमें 2 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने सवार करने का प्रयास किया, उनको कल फाइनली न्यायालय से उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। और ये एक स्ट्रांग मैसेज आएगा समाज के लिए भी कि कोई भी शेड्यूल 1 प्राणी के जो भी प्राणी हैं उनके छेड़छाड़ करना, उनकी बीमार स्थिति खंड करना, ये वैधानिक अपराध है। तो समाज के वर्गों को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें वन्य प्राणियों, खासकर शेड्यूल 1 प्राणियों के सचेत रहना चाहिए और हमें इस टाइप की नहीं करनी चाहिए।